Now we start rolling, please. भारताचे पंतप्रधान यांनी स्वच्छ भारत हा मोहीम आणि कार्यक्रम सुरू केला. त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मुंबईला स्वच्छ ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने याला मोहीमचं स्वरूप दिलं. या मोहीमचं स्वरूप देत असताना मुंबई महानगरपालिकेने 5-6 मोठ्या गोष्टीवर भर टाकला आणि त्याला मोहीम या साधारणतः या प्रकारे त्याला पुढे घेतलं. विशेषतः नागरी जे सागरी किनारा आहे त्याची स्वच्छता ठेवणे, जे उघडे व डम्प्स आहे जिथे आपण कचरा टाकतात लोक त्याला स्वच्छ ठेवणे, मुंबई स्वच्छ ठेवणे आणि शौचालय जे आहे सार्वजनिक शौचालय आहे त्याला स्वच्छ ठेवण्याचा कार्यक्रम मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतला. हा कार्यक्रम करत असताना या कार्यक्रमाचा सर्व मोठा भाग जे आहे उघड्यावर जे शौचला बसतात ओपन डेफिकेशन. आणि आपल्याला आज मी सांगू इच्छितो की मेगा सिटीजमध्ये ज्याला आपण म्हणतो मिलियन प्लस सिटीज, जगातली जेवढे मिलियन प्लस सिटीज आहे पहिल्यांदा कोणताही शहर ODF म्हणजे ओपन डेफिकेशन फ्री बाहेर उघड्यावर बसण्यापासून मुक्तीसाठी मुंबई शहर हा पहिला शहर आहे ज्यांनी हा मोहीम स्वीकारली आहे आणि हा आव्हान स्वीकारून याच्यामध्ये पुढे जात आहे. दिस विल बी दी फर्स्ट सिटी दॅट विल बी टेकिंग अप अ मिलियन प्लस सिटी विच इज टेकिंग अप ODF. हा करत असताना महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 25 कोटी लोक जे राहतात 25 कोटी नागरिक त्यांना सेवा देणारे 30,000 महानगरपालिकेचे कर्मचारी जे सफाईबाबत बघतात आणि आपल्या माहितीसाठी जवळजवळ दररोज 1,000 ट्रकमधून कचरा आणि इतर आपण वाहतूक करतो. हा काम जरी महानगरपालिकेचे कर्मचारी करतात पण त्यांना आता मदत करण्यासाठी आम्ही आज आवाहन करतो आहे की लोकांनी पुढे यावा आणि लोकांनी जर हातभार लावला तर हे काम खरं करण्यास सोपं जाईल आणि मुंबई स्वच्छ ठेवण्यामध्ये आणि ODF करण्यामध्ये आपल्या सर्वांचा मदत होणार.
या कामामध्ये सलमानजी याच्यामध्ये पुढे आले. त्यांची जी NGO आहे बिईंग ह्युमन, त्याच्यामार्फत त्यांनी पुढाकार घेतला, त्याबाबत पहिले मी त्यांचा आभार मानतो. त्यांनी याच्यामध्ये उत्स्फूर्तीने आणि स्वतःहून पुढे आले की मला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, मी मुंबईमध्ये राहतो, या शहरामध्ये मी राहतो, या शहरात मी काम करतो आणि या शहरासाठी मला काहीतरी करायचं आहे असं सलमानजीला वाटला आणि ते स्वतःहून पुढे आले. त्यांची NGO पुढे आली आणि त्यांनी फक्त त्याचं नाव तर पुढे दिलंच दिलं की ते म्हटले की मी आव्हान तर करणारच करणार, पण त्याचबरोबर मी त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी प्रत्यक्षात मोबाईल टॉयलेट्स उपलब्ध करून दिले जे आपण आता ठिकठिकाणी उभं करतो आहे, म्हणजे लोकांना तो वापरता येईल. मी त्यांचा आभार मानतो आणि त्याचबरोबर लोकांना आवाहन करतो आणि विनंती करतो की जसं सलमानजी पुढे आले तसं इतरसुद्धा मुंबईमध्ये जे राहणारे लोक आहे त्यांनी पुढे यावा, हा आव्हान स्वीकारावा, लोकांना आव्हान करावा की आपल्याला मुंबई स्वच्छ ठेवायची आणि ते जर पुढे आले तर बरंच काही आपल्याला या शहरासाठी करता येईल. आपण सर्व इथे आलात आणि आपल्यामार्फत विशेषतः जे पत्रकार आलेले आहेत TV स्टीलचे आणि प्रिंट मीडियाचे त्यांच्यामार्फत सलमानजी आणि महानगरपालिकाचे आज आपण सर्व मुंबईकरांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी पुढे यावा आणि या कार्यामध्ये आणि या कामामध्ये आपल्याला हातभार लावावी. आदित्यजीसुद्धा आज इथे उपस्थित आहे, तेसुद्धा याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालत आहे आणि इंटरेस्ट घेत आहे, त्याचा पण मी आभार मानतो. आता मी सलमानजीला विनंती करेल की त्यांनी 2 शब्द इथे आपल्याशी बोलावे. देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक हम सबसे आह्वान किया कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हमें अब करना है और भारत को स्वच्छ करने में और भारत को साफ करने में जो सब ने इसमें मदद करना है और सब ने इसमें सहभागी होना है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई की महानगर पालिका बड़े तरीके से इस पर उतरी और इस कार्यक्रम को जिसको कहते हैं कि एक चालना के तौर पर इसको दिया गया और इसे हम अब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं. मुंबई को स्वच्छ रखने में मुंबई महानगर पालिका 3-4 जगहों पर विशेषता काम कर रही है, जैसे मुंबई के जो सागरी किनारे हैं, जो बीचेस हैं उसे साफ रखने का काम, मुंबई के जो सार्वजनिक जगहें हैं उसे साफ रखने का काम, कचरा जहाँ जहाँ पड़ता है उसे उठाने का काम, घर घर से कचरा उठवाने का काम, और साथ ही मुंबई में जैसे आप देखते हैं कि एक नालों का जाल है जिस नालों में से पानी जाता है और बारिश का पानी बहता है उसे साफ रखने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है जिससे मुंबई में फ्लडिंग भी ना हो. इसके साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने हाथ में लिया है कि मुंबई में जो आज खुले में शौच करते हैं, ये खुले में शौच जो करते हैं उसे बंद करना चाहिए, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने अब आगे आई है. मैं आपसे गर्व से कहना चाहूँगा कि 1,000,000+ सिटीज़ में पहली बार एक इतना बड़ा शहर इस आह्वान को, इस चैलेंज को स्वीकार कर आगे जा रहा है. और मुंबई में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है मुझे इसके ऊपर बहुत ही ये खातरी है कि आगे जाके इसमें हमें यश मिलेगा. इस कार्यक्रम में हम जगह जगह पर टॉयलेट्स लगा रहे हैं और लोगों से हम ये विनंती कर रहे हैं कि ओपन में ना बैठते हुए आप इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें. ये काम करने में 30,000 कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के और 1,000 ट्रक रोज़ का, मुंबई में वैसे 1,25,000 कर्मचारी हैं मुंबई कॉरपोरेशन में, पर 1,25,000 में से 30,000 कर्मचारी सिर्फ सफाई का काम करते हैं. ये तो आज तक काम कर ही रहे थे, तो इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि इसमें नागरिक भी सहभागी हो और उसकी शुरुआत हम सलमान जी से कर रहे हैं. और मैं यहाँ पर खासकर सलमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आगे आए, खुद आगे आए. उन्होंने कहा कि भाई जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं काम करता हूँ, उस शहर के लिए मुझे कुछ करना है. और उन्होंने एक, जिसको मैं कहता हूँ, एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिसको कहते हैं ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाए. इसके तहत उनके जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके तहत हमें ओपन मोबाइल टॉयलेट्स दिए गए हैं और उस टॉयलेट्स को हम जगह जगह लगवा रहे हैं और लोगों से विनंती कर रहे हैं कि ये टॉयलेट्स आप वापर करें. आज मैं प्रेस, विशेषतः TV, प्रिंट और स्टिल मीडिया की तरफ से नागरिकों के ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे सलमान जी आज आगे आए हैं वैसे सब कोई आगे आए, हर एक नागरिक आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले और इस शहर को, जो हमारा अपना शहर है, उसको साफ करने में मुंबई महानगर पालिका की मदद करें. नमस्कार. दिस वन ठीक है ये. ओह मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ तो हमारे घर के सामने समुंदर है
तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर के जो के वहाँ के जो रहने वाले हैं यू नो चिम्बई के, दे यूज़ टू गो इन द ओपन ऑन द सी. सो वो मुझे बहुत यू नो खटकता था. द वुमेन, द चिल्ड्रन, ओल्ड लेडीज़, यंग लेडीज़ गोइंग इन द ओपन, विच आई जस्ट कुडंट यू नो हैंडल दैट. फिर जब यू नो हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर ही कुड सी लॉट ऑफ पीपल सिटिंग डाउन देयर. इट्स अ बैड विजुअल, यू नो छाता खोल के, यू नो इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग विजुअल. एंड आई शुड कीप ऑन वंडरिंग कि ये कब बंद होगा. एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती यू नो आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर यू नो डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास यू नो टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में. सो दिस वॉज माई थाट. और फिर देन सर केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग टू गो आउट इन द ओपन. एंड फॉर देयर हस्बैंड्स, फॉर देयर फादर्स, इज इवन मोर एम्बैरेसिंग दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड द वुमेन ऑफ द हाउस अ टॉयलेट. मजबूरी है. अब बीएमसी इज गिविंग अ लॉट ऑफ मोबाइल टॉयलेट्स एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई रिक्वेस्ट सर दैट कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड ये नहीं कि सिर्फ नाम आए, इन्हें होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फोटो सेशन हो गया और निकल लिया वहाँ से. यूजली दिस हैपन्स अ लॉट. जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी यू नो वो बिकेम अ वेरी बिग हाइप इन द बिगिनिंग, उसके बाद सब अपने अपने यू नो रस्ते लग गए. वी स्टिल डू इट ऑन ट्विटर, यू नो विच एवर प्लेस दैट आई एम शूटिंग एट, वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं. वी मेक श्योर दैट देर इज नो कचरा, देर इज नो प्लास्टिक, देर इज नो एनीथिंग देयर. अलवीरा टेक्स केयर ऑफ ऑल द गार्बेज एट कार्टर रोड. माई फादर डज इट एट बैंड स्टैंड. सो वी स्टिल ऑन दैट प्रोग्राम. Why? Because it's our country, we should respect that and we should not think that this is somebody else's country. Our country is our home, and Maharashtra for me is not only my karma bhumi but it's also my matra bhumi. So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom becomes my living room, and that is the whole country. So we basically we call you know the sweepers, you know all jitna bhi gutter ke andar log kaam karte hain, you know toilets wagera, we call them kachra wala. Kachra wale wo nahi hai, kachre wale hum log hain. Ye jo hum log jo kachra fekte hain wo saaf karte hain hamara kachra. And the amount of people are working in BMC is phenomenal, and they ek chutti nahi milti unko, din bhar kaam karte, raat bhar kaam karte, aur hum bhi unka kaam badhate. Hum kachra fekte jate hain, bahar jao Hindustan ke bahar jao, Dubai chale jao, London chale jao, America chale jao, same log chutti pe jaoge, kaam pe jaoge, wahan pe ye karoge, karke dikha do bhai, do joote padenge wahan par aisa karoge to. So we are scared to do that there. We don't do that there. We panic. But here, pheko. Phekte jao. So we need to control that about ourselves. Ke jo aadmi kaam kar raha hai hamare liye subah se leke raat tak ke, chutti nahi le raha hai, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है,
वो दिन भर रात भर काम किया जा रहा है. सो अबाउट 22,000 पीपल, 30,000, 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं टू सी दैट मुंबई इज़ क्लीन. और हम लोग क्या करते हैं, वी लाइक टू सी मुंबई डर्टी. सो नाउ दिस खुले में जाना, इट्स नॉट कूल एट ऑल. अब लोगों की मजबूरी है, अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही कि वो माइंडसेट हो गया है. बट वो माइंडसेट को चेंज करना है, यू नीड टू यूज द टॉयलेट्स विच द बीएमसी इज गिविंग. आई एम पुटिंग इन सम मनी एंड इट्स हार्ड अर्न मनी, सो प्लीज अप्रिशिएट दैट. दिस इज वॉट वी वॉन्ट फॉर द वेमेन, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको प्रिवेसी मिले. तो ये प्लीज़ जब ये टॉयलेट्स लग जाएं, एंड प्लीज़ इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. इट इज़ अप टू यू व्हेन यू लीव दैट टॉयलेट, इट हैज़ टू बी क्लीन फॉर दिस प्रोजेक्ट टू सर्वाइव. हम तो डाल देंगे लेकिन मेंटेन आपको करना है. थिंक ऑफ दिस एज योर ओन टॉयलेट एंड थिंक ऑफ द नेक्स्ट पर्सन यूजिंग दैट बाथरूम. एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई एम बेटर दैट. Yes, 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 100%. As many toilets as Mumbai needs, I think we should, you know, we should provide that. So mobile toilets also, because of, you know, a lot of restrictions, you can have normal toilets as well, but then CRZ is there and, you know, a lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, like mobile toilets. They're like full, yeah, in containers which are there, which in, and are like 5-star toilets. They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So, some ke charges honge, bahut hi nominal, bahut hi, you know, minimum honge. That's also to maintain, aur baki ke free honge. So, jahan jahan, I think 78 spots, डिसाइड किए गए थे जहाँ पे टॉयलेट्स की सख्त ज़रूरत है, जिसमें से अब बचे हैं 21 बचे हैं. जी वो वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता. दे ऑल गॉट देयर ओन टॉयलेट, सो ओपन डेफिकेशन वहाँ पर बंद हो गया है. सो दैट्स जी अब वो बंद हो गया है. दैट्स यू नो काफ़ी टाइम से बंद हो गया है सब. आई थिंक अबाउट 15-20 ईयर्स अगो, या दे यूज टू हैपन. ये मैं अपने बचपन की मेमोरी बता रहा था. अब नहीं है वहाँ पर. वहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, सब ने अपने अपने टॉयलेट बना लिए, लेकिन बाकी के मुंबई के अंदर वो अभी भी है जो कि दिखता है, जैसे कि फिल्म सिटी के बाहर आ रहे में. So I think that's also going to be one of the locations. Yeah. आप करोगे साफ? नहीं, यूज करोगे तो करोगे साफ. कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सलमान जी से हमने जो विनंती की है वो ओपन डेफिकेशन जो है उसको बंद करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमने. मैं तो कहूँगा कि खुद ही आए सामने. हमने क्या बनाया, तो खुद ही सामने आया. उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है. और इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें स्वच्छता में अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अगर है तो ये ओपन डेफिकेशन. इसके दोनों भाग हैं. एक कि अगर टॉयलेट नहीं है तो जैसे सलमान जी ने कहा वो उसकी मजबूरी है, वो कोई शौक से नहीं भाग जाता. तो सबसे पहला काम है उसको टॉयलेट देना. और टॉयलेट देने के बाद जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना, कहीं जो है वो उसको कन्विंस करना,
उसको पता ना कि भाई अभी टॉयलेट आ गया है, और मैं खुद देख के आया जो कोलाबा में हमने टॉयलेट बैठाया है वो बीइंग ह्यूमन की तरफ से हमें मिला, कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो बैठाया है एक बहुत ही सुंदर उम्दा अच्छा टॉयलेट बैठाया गया। मुझे तो लगता है कि वो देख के ही जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मेरे पास आए ऐसा भी इतना अच्छा टॉयलेट बैठा है कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं, हम खुद ही इसको यूज़ करेंगे। और जैसा आप कह रहे थे स्वच्छता, उसकी सफाई, एक तो हम ये कहेंगे नागरिकों से कि भाई नागरिक जब तक उसकी स्वच्छता अपने ऊपर जवाबदारी ना ले, वो महानगर पालिका तो करेगी ही करेगी, पर जब नागरिक को लगने लगता है कि ये टॉयलेट मेरा है, मेरी कॉलोनी का है, मेरी फैमिली का है, तो वो ज़्यादा साफ रहता है। तो वही आज हम आपसे विनंती कर रहे हैं, इस चीज़ का ब्रांड सबसे मुश्किल काम जो इसका है उसके ब्रांड एम्बेसडर आज सलमान जी हमारे लिए बने, इसके लिए मैं उनका आभार। इनफैक्ट आपके यहाँ आपके सामने आने के पहले 10-15 मिनट सलमान जी से मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने भी ये मुद्दा उपस्थित किया। इनफैक्ट उनसे मैं और इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ आइडियाज़ भी दिए, और ये आइडिया भी उन्होंने मेरे सामने रखा कि भाई पानी की क्या व्यवस्था है, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कितने भी हम टॉयलेट बिठा लें उसमें सफाई नहीं रहेगी। तो दो चीज़ों की व्यवस्था अब हम मुंबई की टॉयलेट्स में हर जगह कर रहे हैं, एक पानी और रनिंग वाटर होना चाहिए, अगर रनिंग वाटर पाइपलाइन से ना हो तो टैंक हो जो टैंकर भर के जाए, और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व जो अभी आप में से ही किसी ने उठाया, लेडीज़ के लिए रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। द सेफ्टी ऑफ अ लेडी व्हेन गोइंग टू अ टॉयलेट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो लाइट, बिजली और पानी, यह हर टॉयलेट में यह व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी तरफ भी अब महानगर पालिका कदम उठा रही है। इट यू नीड टू, वही है ना कि वो आदत जो बरसों से पड़ी है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ यू सी द टॉयलेट्स, आई थिंक वो आदत बहुत जल्दी टूट जाएगी, ओनली इफ दे कीप इट क्लीन। के यू कैन गो टू अ 5-star होटल, लेकिन अगर 5-star होटल के अंदर फिर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर उसमें भी यू नो दैट स्मेल एंड नो वन वांट टू गो इनसाइड, वो हाइजीन फैक्टर। So I've seen the toilets and they are like any, like the best toilets in the world there. Ji. Sir, ye वैसी आप हर चीज़ पहुँचाते रहते हो ना, कभी ये भी पहुँचा दिया करो, हाँ ये अच्छी चीज़ है पहुँचाना पब्लिक तक के, सो है ना, ये नहीं पहुँचाओगे, नहीं पहुँचाओगे ना, ये हाँ पहुँचाओगे जी, ये यस यस हाँ वो भी बना रहे, वो बना रहे जी, कैंपेन करेंगे, बनाएंगे इसको, इसमें BMC और बीइंग ह्यूमन का नाम जुड़ा है तो बहुत सोच समझ के चलेंगे और बहुत करेक्ट तरीके से चलेंगे इसके अंदर, और जितना इसको लाज कर सकते हैं औरतों की लाज रखते हुए करेंगे। जो सर सलमान सर के साथ मिला इसके बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये साफ सफाई का जो ऑलरेडी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन सलमान जी के साथ के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कितना फायदा पहुंचेगा सबसे? Yes, right now it's 5. Haan? Acha. Aap 5. Right now it's 5. BMC ke paas bahut paisa hai, BMC ko being human ke paise ki zarurat hai nahi. They got a lot of money, but from our side we've said 5. So you know hamare side se bhi ye ke naam aa raha hai wo, yeah, just for that. So first 5 toilets, they offered to pay for that as well. This is that we don't need the money, we just need the awareness. But I said ke phir wo thoda sa farzigiri dikhta hai, so I didn't want that to happen. So alag alag areas mein lagenge, alag alag main issue ye tha ki ek bar jaise aapne pucha ki unke aane ke baad farak padega kya, जैसे मैंने कहा स्वच्छता रखना या ओपन डेफिकेशन बंद करना, बाहर में जो शौच के लिए बैठते हैं लोग उसे बंद करने के दो भाग हैं, एक तो टॉयलेट्स देना, टॉयलेट्स तो महानगर पालिका देगी,
और सलमान जी से और ऐसे लोगों से और मदद मिले तो वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है हमारे लिए, और भी अच्छा है। इनफैक्ट जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बस सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमारे सामने में चैलेंज है लोगों की मानसिकता बदलना। ये मेरे को लगता है कि जब सलमान जैसे लोग सामने आके कहते हैं कि भाई ये गलत है, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा इट इज़ नॉट कूल एनी मोर, ये गलत है, इसको कहीं ना कहीं बदलना है हमने, इस मानसिकता को फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रूर पड़ेगा। और ये मुहिम को हम अब आगे ले जा रहे हैं, और ये पहला मिलियन प्लस सिटी है, 1.25 करोड़ नागरिक हैं आज मुंबई में। 1 मिलियन प्लस सिटी जब ये इतना बड़ा आह्वान स्वीकार किया तो एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम। एकच मी आज आपल्याला म्हणेल, हा काय टॉयलेट विरोध फेरीवाला किंवा टॉयलेट विरोध हे हा मोहीम नाही आहे। आपला मोहीम आहे की टॉयलेट बांधणे, विशेषतः या मोहीमचा पहिला भाग आहे की आज जे उघड्यावर शौचला बसतात पहिला तो एरिया आयडेंटिफाय करणे। तो एरिया आपण मुंबईमध्ये आयडेंटिफाय केला आहे, तो आपण आता केंद्रित केलेला आहे त्याच्यावर आपलं ध्यान की हे एरियाज आहे, या या क्षेत्रात लोक बाहेर बसतात। बसण्याचं कारण काय की इथे टॉयलेट्स नाही आहेत, टॉयलेट्स नाही आहे, मग काय करावं? जिथे आपण बांधकाम करू शकतो बांधकाम करणार, तो कम CRZ एरिया आहे बांधकाम करता येत नाही, दाट लोकवस्ती आहे बांधकाम करता येत नाही, सीवर लाईन टाकता येत नाही, असे एरियासाठी आपण मोबाईल टॉयलेट्स देतो, पाणीची व्यवस्था करतो, वीजचे कनेक्शन देतो, आणि लोकांना आता विनंती आणि आवाहन करणार की हे टॉयलेट्स आहे कृपा करून वापरावं। आणि याचसाठी हे कार्यक्रम आज आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात केली। वो रेल्वे ट्रॅक्स वो पुराने जमाने का टॉयलेट था, अब नहीं है, अब उसको रेलवे ट्रैक्स ही समझो। जी एक आपके एरिया में भी भिजवाएंगे हम, लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिग बॉस की आवाज़ आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।